ओके गाइस, तो जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, मैंने लेनोवो टैब्स 7 के ऊपर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाला कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं जो है डेली आपके कमेंट रीड्स करता हूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे थे, तो भाई आज की वीडियो में मैं जो है आपको टोटल 4 या 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो मुझे डेली कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो पर, या तो फिर जो है मैंने खुद से भी ऐड किए हैं। तो अगर आप भी एक लेनोवो टैब 7 यूज़र हो तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज साइलज मेरी, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट नंबर वाली ट्रिक की तरफ। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भाई इसका जो स्क्रीनशॉट का साउंड है वो किस तरीके से बंद करें, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट वाला टाइप किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर एक साउंड आ रहा है। तो जैसे मैं काफ़ी लोगों को ये नहीं ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं है जिस तरीके से मुझे कमेंट आया है भाई। तो जैसे मैं जो है यार यहाँ पर पूरे सेटिंग में या फिर कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि इसका साउंड आप किस तरीके से बंद किए, मतलब पूरी मैंने सेटिंग छान मारी, लेकिन इसमें भी आप सिर्फ एक जुगाड़ कर सकते हो। आपको जो है सिंपली अपना फ़ोन जो है वो साइलेंट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाइब्रेशन पर आ गया है, उसके बाद जो आप साइलेंट कर सकते हो फिर वाइब्रेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप स्क्रीनशॉट पर टैप करोगे तो भाई आवाज नहीं आएगी, और आपको अगर साइलेंट या वाइब्रेट भी नहीं करना तो आपको सिंपली जो है ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो हर कोई के फोन में होती भी है, कुछ लोगों के फोन में मतलब हमारे टैबलेट में नहीं है, तो जिसका नाम है असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, आपको पता ही होगा। इस ऐप को आपको सेटअप कर देना है, उसके बाद जो है आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको वाइब्रेट भी नहीं करना, सिंपली आपको बोलना है ओके गूगल टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी मेरे फोन में सिम कार्ड भी नहीं है और मेरे मोबाइल में नेट भी नहीं है, तो भाई मैं कनेक्ट कर भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो प्लीज़ यार समझ जाओ। आपको सिंपली असिस्टेंट सेटअप करना है, उसके बाद जो है ओके गूगल टेक अ स्क्रीनशॉट बोलना है। जैसा आप ऐसा बोलोगे तो वहाँ पर जो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, और भाई आपको साउंड भी नहीं आएगी, आपको अपना फ़ोन वाइब्रेट भी या साइलेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो मैं यही कहूँगा कि आप साइलेंट करके करो, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मतलब यार आपको पता ही है टैबलेट मतलब कितनी स्पीड पर चलता है, उसके बाद भी अगर आप एक असिस्टेंट से करवाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, मतलब 20 से 25 सेकेंड चले जाएंगे। जैसे मैं आपको यही चीज़ कर सकता हूँ कि भाई और कोई तो ऑप्शन नहीं है, आप जो है वाइब्रेट या फिर साइलेंट कर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। नंबर वाली जो ट्रिक है वो ट्रिक नहीं है, सिंपल ही सेटिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि भाई इसकी जो है रिंगटोन किस तरीके से सेंड करें, तो ये काफ़ी इजी है, फिर भी जो है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है अपने सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको जो एक साउंड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, सिंपली आपको साउंड पर क्लिक करना है। जैसे आप साउंड पर क्लिक करोगे थोड़ा नीचे जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको पूरा रिंगटोन का पूरा मतलब ऐसा मिल जाएगा कि सिम 1 पर सिम 2 पर कौन सी रखनी है, नोटिफिकेशन में कौन सी रखती है और अलार्म टोन कौन सी रखती है। तो यार मुझे लगता नहीं था कि इसके अंदर टोन्स होगी मतलब रिंग टोंग होगी, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सही है। तो आप देख सकते हो बहुत सारी मतलब ऐसा रिंग टोंग भी देखने मिल जाती है। एक दो आपको मैं बजा के सुनाता हूँ मतलब कैसी है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो है मैंने और साइलेंट कर दिया था ना भाई, ये वाली काफ़ी सही लग रही है भाई, मतलब पूरी डिफरेंट लग रही है सबसे। बहुत सारे रिंग है, आपको बहुत सारे रिंग टोंग यहाँ पर देखने मिल जाएगी, आप सिम 1 पर सिम 2 पर अलग अलग कर सकते हो। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिंग टोंग भी देखने मिल जाती है, देख सकते हो आपको इसके अंदर ये भी वैरायटी है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कॉलर की जो रिंग होती है, या तो फिर जो नोटिफिकेशन का साउंड है या फिर SMS का साउंड है, वो जो है यहाँ सिंपली साउंड पर जाकर जो है तुम चेंज। वाली जो ट्रिक है वो बेसिकली यूज़र के ऊपर है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता है मैंने जो है पहले भी लेनोवो टैब 7 के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, अगर आपको चेकआउट करना हो तो आई बटन में देखो मेरी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 10 से 12 वीडियो या फिर उससे भी ज्यादा हो गए। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग यूजर आप इसमें सेट कर सकते हो। तो उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि भाई किस तरीके से करते हैं, उसके बाद जो है डिलीट किस तरीके से करना है, तो वो काफी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर यूजर है, यहाँ पर अभी जो यूज कर रहा है वो है साहिल 74, तो आप देख सकते हो। अब आपको सिंपली यहाँ पर जो है एड गेस्ट करना है, सिंपली यहाँ पर देखे एड यूजर भी कर सकते हो, एड गेस्ट भी कर सकते हो। आपको सिंपली अगर किसी और फोन में देना है, मतलब आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, मतलब इसमें क्या होता है पता है भाई, कई बार जो हम अपने छोटे भाई बहन को फोन देते हैं वो कभी उल्टा सुधा कुछ कर डालते हैं, हमारी सेटिंग्स चेंज कर जाते हैं या फिर और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट दो डिवाइस कर सकते हो, मतलब पूरा जो इसका UI है वो सेम टू सेम कॉपी करते हो, बस उसमें कुछ होगा नहीं। तो आपको सिंपली प्लस वाले यूजर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर लिखना है कि स्टैंडर्ड यूजर है या फिर चाइल्ड यूजर है। तो मैं सिंपल यहाँ पर चाइल्ड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐप करना है, ऐप करने के बाद सेटअप न्यू यूजर करना है, तो कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे उसके बाद
बाद आप जो है कुछ भी नाम डाल सकते हो या डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी डालना हो डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पर कुछ डालूंगा नहीं। उसके बाद जो यहाँ पर आप अपनी चाइल्ड प्रोफाइल है उसकी कुछ ऐप होती है जिसको आप अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो। मतलब कुछ ऐसी ऐप है, आपका छोटा भाई काफ़ी शरारती है, मतलब वो यहाँ कोई भी ऐप खोल लेता है या फिर कोई भी चीज़ खोल देता है, मैसेज कर देता है किसी को या फिर कॉल कर देता है किसी को गलती से, जैसे जो आप वो वाली जो ऐप है उनको आप रिस्ट्रिक्टेड कर दो, अनरिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, तो इस तरीके से वो ऐप उसको दिखेगी भी नहीं। अब मैं सिंपल यहाँ पर यस करता हूँ, मतलब नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद जो यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ। जैसे आप फिनिश करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। जैसे ये हमारी जो चाइल्ड प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है, अब वापस से मैं स्क्रॉल डाउन कर जो चाइल्ड प्रोफाइल पर जाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं जैसे ही स्विच होऊंगा तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैबलेट का हाल चाल पूरा बदल जाएगा और यहाँ पर जो है हमारा सेकंड नंबर वाला जो यूआई है वो पूरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वेलकम टू चाइल्ड प्रोफाइल, यहाँ पर मैं गॉटिट करूंगा, अभी कोई पासवर्ड नहीं रखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा मतलब लोड होने में टाइम हो रहा है क्योंकि जो हमारा डिवाइस था ऐसा सेम टू सेम डिवाइस होने वाला है। यहाँ पर सिंपली जो है मैं एक वॉलपेपर चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि आपको पता है हमारा टैबलेट सुपर फास्ट है। अब आप देख सकते हो जो है पूरा मेरा वॉलपेपर सेटअप हो गया है, यहाँ पर एक लाइव वॉलपेपर वेदर जैसा दिख रहा है। उसके बाद मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा कम ऐप्स दिख रहा है। आप देख सकते हो मेरी जो मेन प्रोफाइल थी साहिल 74 वाली, उसमें ज़्यादा ऐप्स है लेकिन इसके अंदर यूट्यूब भी नहीं है या फिर और भी कोई ऐप्स नहीं है। तो भाई इस तरीके से जो है उस ऐप को हटा सकते हो। इस तरीके से दो तीन लोग भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रोफाइल बनाकर, मतलब एक दूसरे की चीज़ किसी को दिखेगी नहीं, मतलब चीज़ मतलब एक दूसरे की जो ऐप है जो यूजेज है वो किसी की दिखेगी नहीं। अब मैं वापस से जाता हूँ मेरी प्रोफाइल पर, यहाँ पर जो है मैंने स्विच कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पर जाऊँगा स्विच टू साहिल 74। अब यहाँ पर मैं जैसे यस करूँगा तो यहाँ पर जो है वापस से स्विचिंग में टाइम होगा। अगर आप तक यहाँ तक है ना भाई ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो और भाई शेयर भी कर देना अपने सारे दोस्तों को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि आपको जो है फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगी। अब जो है मेरी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, मतलब मेरा जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है। अब मैं जैसे स्वाइपअप करूँगा पहले तो मेरा लॉक मांगेगा, तो यहाँ पर जो है मैं लॉक को अनलॉक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जो पूरे ऐप्स है वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट अपनी कोई पर्सनल डेटा है वो किसी को दूसरे को दिखेगा नहीं। अगर तुम छोटे भाई बहन को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए भी ये टैबलेट दे रहे हो तो उनके जो उनके प्रोफाइल पर स्विच कर आप देख सकते हो, और अगर वो रिटर्न आपकी प्रोफाइल पर आ भी गए तो भाई वो लॉक मांगेगा और लॉक मुझे पता है कि आप बताने वाले नहीं हो। तो इस तरीके से आप जो है तीन चार लोग भी इसको यूज़ कर, तीन चार करते नहीं है, दो ही करते हैं, बट तीन चार होते भी नहीं है सर, बट दो तीन लोग भी इसको आराम से मतलब एक ही टैबलेट में आप एडजस्ट। वीडियो में सबसे लास्ट वाली जो ट्रिक है उसको बताने के लिए मुझे जो है मेरे टैबलेट को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो जो है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने पावर ऑफ कर दिया। अब जब तक ये पावर ऑफ होता है वहाँ तक भाई अभी तक दूसरी बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, मतलब आपको पता, आपको अगर भूल गए हो तो भाई याद दिला देता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा इस तरीके से भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब जो मैं मेरा टैबलेट ऑन करता हूँ तो भाई इसको भी टैबलेट ऑन होने में काफ़ी याद आ रही होगी भाई, मतलब याद नहीं मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है इसे। तो मैं वापस से नहीं बोलूँगा लाइक एंड सब्सक्राइब का क्योंकि भाई तुमने कर दिया है मुझे पता है, तो भाई कर देना यार, मतलब भरोसा नहीं तोड़ोगे तुम मेरा। तो ये लास्ट वाली ट्रिक जो है वो उन लोगों के लिए हो सकती है जो उनके लिए प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जैसे ही आप अपना टैबलेट स्विच ऑफ करोगे और भाई स्विच ऑन करोगे तो भाई टैबलेट आपका ऑन होगा ही नहीं, मतलब कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ भाई। ये इंट्रो या जरा लेनोवो का इंट्रो है उसे ज़रा ख़त्म होने दो। जैसे आपका लेनोवो का इंट्रो होगा उसके बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, मतलब इस तरीके की, मतलब अभी आ रही है क्योंकि भाई ये टैबलेट सुपर फास्ट है भाई हमारा। और भाई क्या करूँ यार मैं, मतलब मेरी गलती नहीं है इसमें यार, तुम डिसलाइक मत करना वीडियो को, मेरी गलती नहीं है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें, मैं कट कर सकता था यार बट क्या करूँ यार, अभी मुझे खुद का बन नहीं आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके की स्क्रीन, क्या हुआ भाई इसको, मतलब यार ये सेकंड बार इंट्रो आ गया यार, आप देख सकते हो मतलब टैबलेट हमारा किस लेवल तक जा रहा है, मतलब सेकंड बार इंट्रो आ रहा है। जैसे ही भाई लेनोवो टैब 7 की होगी तो उसके साथ बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा। यहाँ पर लिखा है टू स्टार्ट एंड्रॉयड डो योर पैटर्न, मतलब ये टैबलेट अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है भाई। जैसे ही तुम अपनी पैटर्न डालोगे उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने गलत पैटर्न डाली है, ये चेकिंग हो रहा है और भाई ये रॉन्ग पैटर्न है। उसके बाद जो है मैं मेरी सही वाली पैटर्न डालूंगा तो उसके बाद जो है वापस से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है भाई ये, तो देखो उसके बाद ही जो है एंड्रॉयड स्टार्ट होगा, मतलब उसके बाद ही हमारा डिवाइस बूट होगा। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा यार, मतलब देखो किसी ने भी फ़ोन ऑन कर दिया, किसी का कॉल आ रहा है तो भाई कॉल तो तुम विथआउट पासवर्ड ओपन किए भी भाई पिक कर ही सकते हो ना। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर आपके जो काम आ सकता है कोई आपका स्मार्टफोन जो है वो, मतलब अगर आपने स्विच ऑफ किया, कोई भी मतलब कारण हो सकता है भाई, तो अगर आपने स्विच ऑफ किया अपना टैबलेट, स्विच ऑफ कर दिया है और कोई भी अगर ऑन करना चाहेगा तो भाई ऑन नहीं कर पाएगा, उसके लिए पहले पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो पासवर्ड के बाद ही हमारा ओपन होगा। तो भाई यहाँ पर वापस से हमारी
मांग रहा है पिन। सो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो भी यार मैं चौथी बार बोल रहा हूँ फिर भी यार एंड करना है वीडियो भाई, सुन लो लास्ट टाइम प्लीज, वीडियो को डिसलाइक मत करना, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है और ऐसे फ्यूचर में भी शायद तक बनाऊंगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई फ्री फायर का जो नया वर्जन आया है न्यू सीरीज वाला, उसके बाद जो है टैबलेट में काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है, तो भाई उसका भी टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे भाई, आपको बताऊंगा जुगाड़। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारे बेल आइकन को जो है ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही था।